हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। नाइस इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं देख सकते हैं यहाँ पे माइक्रोमैक्स का दोस्तों एलईडी टीवी रिपेयरिंग करेंगे। दोस्तों, ये इसमें पावर नहीं आ रहा है, तो इसके लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी आपको समझ में आ जाएगा क्या प्रॉब्लम हो गया है इसमें कि लाइट नहीं आ रहा है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन आपको मिल जाएगा, उसको दबा दीजिए और बेल आइकन घंटी को दबाएं। और सेकंड चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी दबा दें। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने पावर दे दिया है, लेकिन फिर भी ये नहीं चल रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे लाइव प्रूफ के साथ दोस्तों हम दिखा रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पे एलईडी लगा हुआ है, जो कि बल्ब पावर वाला वो नहीं जल रहा है। तो क्या प्रॉब्लम हो गया है, चलिए आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाते हैं। तो फाइनली हम पैनल को हटा लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर पावर सप्लाई दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ये वाला पावर सप्लाई। इसमें हम पहले एसी वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले हम चेक करेंगे। तो फटाफट से अपने मल्टीमीटर निकाल लेते हैं और आपको चेक करके दिखाते हैं। तो फाइनली हम 750 दोस्तों एसी वोल्ट पे चेक करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लगा दिया है, और आपको यहाँ पर क्लिप जो दोस्तों दिखाई दे रहा है रेड और ब्लैक, इसमें हम इसको लगाएंगे। तो यहाँ पे फाइनली हम लगा दिए हैं, देख सकते हैं एक पोर्ट लग गया, दूसरा भी लग गया। तो यहाँ पे 237-36 वोल्ट आपको देखने को मिल रहा है, इसका मतलब लाइट आ रहा है लेकिन मेरा टीवी ऑन नहीं हो पा रहा है। तो देख सकते हैं फाइनली मैंने इस प्लग को निकाल दिया है, तो आप भी निकाल दीजिए। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर वोल्ट लिखा हुआ है, ग्राउंड ग्राउंड आपको दिखाई दे रहा है। थोड़ा जूम कर लेते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे ग्राउंड ग्राउंड और एडी लिखा हुआ है, और यहाँ पे बीके लिखा हुआ है, और प्लस 12 प्लस 12 यहाँ पे देख सकते हैं। लाइव प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं ग्राउंड और एडी और यहाँ पे ऑन और प्लस 12 प्लस 12। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया है, फाइनली लग चुका है। अब चलिए आपको दिखाते हैं इसमें वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हम इसको रख देते हैं और हम फिर से करंट देंगे इसमें, ताकि हम 12 वोल्ट जो दोस्तों यहाँ पे आता है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे 200 पे रेंज पे हम कर लेंगे डीसी वोल्ट पे, और यहाँ पे हम इसको रख देते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम रख दिए और फिर से हम लगा रहा हूँ, लाइट दे रहा हूँ फिर से। तो फाइनली हम यहाँ पे लाइट दे चुके हैं, और यहाँ पे ये ग्राउंड दोस्तों ग्राउंड ग्राउंड पे लगा देते हैं, देख सकते हैं ग्राउंड पे लगा दिए है। और यहाँ पे 12 वोल्ट क्लिप पे जैसे ही कर रहे हैं तो यहाँ पे वोल्टेज देखने को नहीं मिल रहा है। देख सकते हैं ये लाइव प्रूफ के साथ आपको दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर नहीं मिल रहा है। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर ये पावर सप्लाई ख़राब हो चुका है। तो फाइनली ऐसे ही चेक कर सकते हैं, बहुत ही आसान है दोस्तों चेक करना कि पावर सप्लाई ख़राब है या मदरबोर्ड। तो फाइनली हम एक और ट्रिक आजमाएंगे कि पावर सप्लाई ख़राब है या मदरबोर्ड। तो यहाँ पे सॉलिड कंपनी का देख सकते हैं 12 वोल्ट 1 एम्पियर का ये एडाप्टर है, तो इसको हम यहाँ पर लगा देते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर लग गया, हम इसको ऑन कर देते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर ऑन हो चुका है और यहाँ पर लाइट जल गई है, और इसको हम यहाँ पे 12 वोल्ट देकर देखेंगे कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे चेक करके दिखा देता हूँ कि कितना वोल्ट मेरा दोस्तों एडाप्टर दे रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे करके यहाँ पे देखिए यहाँ पे 14.9 वोल्ट दे रहा है, देख सकते हैं 14.9 वोल्ट दे रहा है। तो इसको हम हटा देते हैं। अब आपको क्या करना है, एक वायर को इसमें लगा देना है, देख सकते हैं इसमें लग गया, देख सकते हैं। और एक वायर दोस्तों यहाँ पे इसको हम 12 वोल्ट जो दोस्तों जहाँ पे वो पावर सप्लाई है वहाँ पे हम लगाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसको हम आसानी से दोस्तों लगाएंगे, शॉर्ट सर्किट नहीं करना है दोस्तों, कहीं इधर उधर नहीं ठेकाना है। तो यहाँ पे फाइनली दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर 12 वोल्ट आपको मिल जाएगा। तो ये वाला एसी वायर को निकाल लेना है, बोर्ड में से भी निकाल लेना है, और केवल ये एडाप्टर वाला करंट उसमें देना है। देख सकते हैं मैंने निकाल दिया है, वैसे ही आपको निकालना है। देख सकते हैं मैंने केवल एडाप्टर को यहाँ पे लगाए हुए हैं, देख सकते हैं। और यहाँ पे हम इसको अब करंट देंगे। तो फाइनली दोस्तों देख सकते हैं मैंने इसको ऐसे कर दिया है, अब इसको हम यहाँ पर लगाएँगे।
तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं ग्राउंड ग्राउंड में लगा देना है, तो ग्राउंड आपको मालूम चल जाएगा कौन सा ग्राउंड है। सब ये ग्राउंड है दोस्तों, जितना प्लेट उसमें रखा है वो सब ग्राउंड है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसको हम, ये रेड वाला लाइट जलेगा, जैसे ही हम ठिकाएंगे तो रेड वाला लाइट जलेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे हम इसको लगा देते हैं, ये चेक करने के लिए दोस्तों कर रहा हूँ इसको, हमेशा यहाँ पे 12 वोल्ट दिखाई दे रहा है। इस पर एक वायर को हम ठिकाएंगे दोस्तों, ये वाला दोस्तों जो कि एडाप्टर से निकला हुआ है प्लस, उसको हम ठिकाएंगे। और ये ग्राउंड है तो ग्राउंड में ग्राउंड लगा लेते हैं, देख सकते हैं फाइनली ये ग्राउंड लग चुका है। और जैसे ही हम यहाँ पे देंगे तो ये पावर सप्लाई ख़राब है या मदरबोर्ड, आपको यहीं से मालूम चल जाएगा। तो इसको हम यहाँ से 12 वोल्ट पे लगाएंगे, तो देख सकते हैं मैंने जैसे ही लगा दिया तो यहाँ पे लाइट जल रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे निगेटिव दोस्तों, यहाँ पे इंडिकेटर वाला लाइट जल रहा है और पैनल भी ओपन हो चुका है। देख सकते हैं जैसे ही मैंने यहाँ पे बटन, पावर बटन ऑन करूँगा तो यहाँ पे माइक्रोमैक्स लिखा हुआ आपको नज़र आएगा, देख सकते हैं यहाँ पे ऑन हो चुका है, देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पे ब्लू बटन भी, मतलब ब्लू लाइट भी जल चुकी है, देख सकते हैं फाइनली ये दोस्तों काम कर रहा है, इसका मतलब ये पावर सप्लाई ख़राब हो चुका है। तो देख सकते हैं ऐसे ही करके बहुत ही आसानी से दोस्तों आप लोग घर पे चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने 12 वोल्ट पे जैसे ही लगा दिया है तो यहाँ पे चलने लग गया। तो दोस्तों ये ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा क्योंकि ये 1 एम्पियर का है दोस्तों, इसमें कम से कम 2 एम्पियर का एडाप्टर लगा देंगे तो चलने लग जाएगा। तो हमारे पास 1 ही एम्पियर का ट्रांसफार्मर है दोस्तों, सॉरी हमारे पास 1 ही एम्पियर का एडाप्टर है, इसलिए हम दूसरा पावर सप्लाई यहाँ पे लगाएंगे। तो फाइनली ये पुराना वाला पावर सप्लाई कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा आपको, और देख सकते हैं मेरा टीवी यहाँ पे, ये कैंपो कंपनी का है, और इसको हम हटा देते हैं। अब आपको दिखाते हैं, देख सकते हैं ये पावर सप्लाई दोस्तों, ये दोस्तों इस ये ख़राब हो चुका है वो वाला पावर सप्लाई है, और एक हम नया खरीद कर लाए हैं वो वाला पावर सप्लाई आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे दूसरा पावर सप्लाई आपको दिखा रहे हैं, तो फाइनली ये दूसरा पावर सप्लाई आपको देखने को अब मिलेगा। ये वाला फर्स्ट दोस्तों ख़राब हो चुका था, और ये वाला नया दोस्तों, इसका लुक देख सकते हैं बहुत ही छोटा है, और ये बहुत ही बड़ा है और ये छोटा है, देख सकते हैं कितना फ़र्क है इसमें। तो दोस्तों अब इसको कैसे लगाना है आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे ग्राउंड ग्राउंड लिखा हुआ है, और यहाँ पे फिर से हम दिखा देते हैं, यहाँ पे 4 पिन यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, ग्राउंड ग्राउंड और एजेड, जैसे जैसे उसमें खांचा मतलब उसमें लिखा हुआ है वैसे ही इसमें भी लिखा हुआ है, देख सकते हैं ग्राउंड ग्राउंड और यहाँ पे AD और EN और प्लस 12 यहाँ पे लिखा हुआ है सब में। यहाँ पे उस पावर सप्लाई जो पुराना वाला है उसमें भी लिखा हुआ है, इसमें भी लिखा हुआ है। तो फटाफट से कैसे लगाना है आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये पैनल का दोस्तों, पैनल हल्के से उठाना है और ये दोस्तों पावर सप्लाई वाला यहाँ पर लगाएँगे। तो इसको कैसे लगाना है देख सकते हैं, इसको ऐसे लगाना है, बहुत ही आसानी से लगाना है दोस्तों, देख सकते हैं मैंने पावर सप्लाई को यहाँ पे लगा दिया है। अब आपको क्या करना है, इसको ऐसे ही छोड़ देना है, और ये दोस्तों एसी वाला वायर को इधर पलट कर और हल्के सा ऊपर की तरफ एडजस्ट कर देंगे तो ये लग जाएगा, देख सकते हैं लग गया है। अब हम चालू करके देखते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है पावर सप्लाई। दोस्तों ये करीब 400-500 रुपया में मिल जाता है पावर सप्लाई, किसी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे जाइए वहाँ पे आपको मिल जाएगा, बहुत ही आसानी से दोस्तों ये पावर सप्लाई मिल जाता है। और दोस्तों चैनल पे नए आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, देख सकते हैं यहाँ पे मेरा लाइट आ चुका है, और यहाँ पे पैनल में भी देख सकते हैं पैनल का लाइट आपको देखने को मिल जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर पैनल का लाइट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इसका मतलब दोस्तों मेरा जो पावर सप्लाई है वो बदल दिए हैं और मेरा जो दोस्तों LED TV सही चल रहा है, देख सकते हैं। और चलिए अब आपको दिखाते हैं इसको एडजस्ट करना है दोस्तों, देख सकते हैं बहुत ही छोटा ये पावर सप्लाई है, देख सकते हैं ये चाइना का होगा शायद, हमको लग रहा है शायद चाइना होगा। तो इसको निकाल देना है और आपको
पावर सप्लाई ये पुराना वाला हटा देना है, ये ख़राब हो चुका है, और दूसरा पावर सप्लाई हम तो लगा ही चुके हैं। तो चलिए अब फटाफट से इसको फिर से एक बार और आपको दिखा देते हैं चलाकर कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम ओपन करते हैं और यहाँ पे आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखा देता हूँ फिर से एक बार। तो देख सकते हैं यहाँ पे माइक्रोमैक्स लिख रहा है, इसका मतलब मेरा टीवी जो है वो सही हो चुका है। तो देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही आसान है दोस्तों पावर सप्लाई बदलना, केवल आपको यहाँ पे जानकारियाँ होनी चाहिए। तो वीडियो देखकर आप जानकारियाँ ले सकते हैं, और सेकंड चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, उसको भी जाकर आप सब्सक्राइब कर लें। उस पर भी मैं डिश और इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए फटाफट से इसको हम नोट बोल्ट लगा लेते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि कैसे आपको यहाँ पर इस बोल्ट को पूरा पैक कर देंगे। जैसे जैसे खोला था वैसे वैसे इसको लगा देंगे और उसके बाद टीवी पैक हो जाएगा और आपको चलाकर दिखा देंगे। तो चलिए यहाँ पे हम इसको इस पावर सप्लाई को यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। तो फाइनली इसको हम थोड़ा हल्के से देख सकते हैं, ये छोटा था तो यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे इसको एडजस्ट करना है वैसे हम कर दिए। और ये दोस्तों मॉड्यूलर है दोस्तों, इसको यहाँ पे हम लगा देंगे और काम ख़त्म। यहाँ पे लगाएंगे तो ये हो गया, देख सकते हैं थोड़ा सा और लगेगा इसमें। तो फाइनली ये लग नहीं रहा है क्योंकि इसका जो बोल्ट है वो मोटा है। तो फाइनली दोस्तों हमने पूरा जो दोस्तों ये बोल्ट था वो मैंने कस दिया है, और अब चलिए आपको दिखाते हैं चालू करके कि सही हो चुका है कि नहीं हो चुका है। तो देख सकते हैं यहाँ पे रेड लाइट बढ़ने लग गया, जल रहा है, और यहाँ से पावर बटन हम दाबेंगे तो ये दोस्तों स्टैंड बाई मोड से हट जाएगा। देख सकते हैं ब्लू हो चुका है और स्टैंड बाई मोड से हट गया, और यहाँ पे देख सकते हैं मेरा टीवी ऑन हो चुका है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।